दोस्तों 70 के दशक में एक से बढ़कर एक फिल्में सिनेमाघरों में देखने को मिली थी। वह दौर मल्टी स्टारर फिल्मों का था जो दर्शकों को भी बेहद पसंद आती थी। उन्हीं में से एक फिल्म थी नागिन, जिसे दर्शकों का भरपूर प्यार मिला था और यह फिल्म आज भी लोगों के बीच काफी मशहूर है। 16 जनवरी 1976 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई फिल्म नागिन को दर्शकों का इतना प्यार मिला था कि रिलीज के साथ ही यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर छा गई थी। सुनील दत्त, फिरोज खान, संजय खान, रेखा, मुमताज, जितेंद्र, रीना राय, कबीर बेदी, विनोद मेहरा, अनिल धवन, नीलम मेहरा और योगिता बाली से सजी यह फिल्म साल 1976 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी थी। अगर बात करें इस फिल्म के बजट की तो लगभग 1 करोड़ के बजट में यह फिल्म बनी थी और बॉक्स ऑफिस इंडिया से इस फिल्म ने तकरीबन 3.5 करोड़ रुपए कमाए थे। वहीं इस फिल्म ने पूरे वर्ल्ड वाइड से तकरीबन 7 करोड़ रुपए की कमाई की थी, जिसके साथ ही यह फिल्म सुपरहिट साबित हुई थी। आइए दोस्तों अब जानते हैं नागिन फिल्म से जुड़े कुछ दिलचस्प बातें। दोस्तों फिल्म की स्क्रिप्ट के अनुसार एक गाना फिल्माया जाना था। गाने के बोल थे, तेरे इश्क का हुआ मुझ पर यह असर। यह गाना फिल्म की शूटिंग के सबसे पहले रखा गया था, लेकिन कुछ वजहों के चलते फिल्म का दूसरा गाना पहले शूट करना पड़ा था। गाने के बोल थे, तेरे संग प्यार मैं नहीं तोड़ना, जिसमें रीना राय और जितेंद्र ने एक्टिंग की। यह एक्टिंग रेखा ने भी देखी थी। उनको रीना रॉय का कॉस्ट्यूम बहुत पसंद आया था। अब रेखा इस जिद पर अड़ गई, रीना रॉय की तरह उनको भी वैसे ही ड्रेस चाहिए। डायरेक्टर राजकुमार कोहली ने उनको बहुत समझाया और कहा कि उन्होंने जो ड्रेस पहनी है वह एक नागिन का ड्रेस है, तुम तो इस फिल्म में नागिन का रोल तो नहीं कर रही। लेकिन इनके बहुत जिद पकड़ने पर उनके लिए एक अलग से कॉस्ट्यूम तैयार किया गया, जिसे तैयार होने में तकरीबन 1 हफ्ते लग गए। इस तरह से 1 हफ्ते तक फिल्म की शूटिंग रोकनी पड़ी थी। दोस्तों नागिन फिल्म की सफलता के बाद डायरेक्टर राजकुमार कोहली ने अपने बेटे को एक फिल्म में उतारना चाहा। यह एक मल्टी स्टारर फिल्म थी। फिल्म का नाम था जानी दुश्मन, जो कि 2002 में आई थी। डायरेक्टर राजकुमार कोहली की जैसी उम्मीद थी यह फिल्म वैसी साबित नहीं हुई। आलोचकों ने इस फिल्म की कहानी को बहुत ही घटिया बताया। यह फिल्म सिनेमा घरों में इतनी बड़ी स्टार कास्ट होने के बावजूद चल नहीं पाई और बुरी तरह से फ्लॉप साबित हुई। इस फिल्म का क्रेज तो आज भी लोगों के दिलों में देखने को मिलता है। फिल्म की कहानी से लेकर इसके गाने भी लोगों के बीच काफी मशहूर हुए थे। इस फिल्म का निर्माण और निर्देशन राजकुमार कोहली ने शंकर मूवीज बैनर के तहत किया था। कई सारे सितारों से सजी इस फिल्म को आज भी रीना रॉय के लिए याद की जाती है, जिसमें उन्होंने एक नागिन की भूमिका निभाई थी। इस फिल्म का संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने तैयार किया था। इस फिल्म में सबसे पहले सायरा बानो को नागिन के किरदार को निभाने की बात रखी गई थी, किंतु नकारात्मक किरदार होने के कारण सायरा बानो ने मना कर दिया। इसके बाद इस फिल्म के किरदार के लिए मुमताज को कास्ट करने की चर्चा हुई, किंतु मुमताज ने भी इस किरदार को करने से मना कर दिया। हेमा मालिनी, सायरा बानो, मुमताज जैसी मशहूर अभिनेत्री ने मना कर दिया। रीना रॉय को यह किरदार काफी चस्प लगा। इस फिल्म के बाद रीना रॉय रातों रात सबकी चहेती हीरोइन बन गई। यह फिल्म मुमताज की अंतिम फिल्म भी थी। यही वह फिल्म थी जिसने रीना रॉय को रातों रात स्टार बना दिया था। इस फिल्म के बाद रीना रॉय की किस्मत ही बदल गई थी और उसके बाद रीना रॉय के पास फिल्मों की लाइन लग गई थी। इस फिल्म की कहानी एक नाग और एक नागिन की होती है, जिसमें विजय के किरदार में सुनील दत्त अपने दोस्तों के साथ जंगल में उस नाग को खोजने निकल पड़ता है, जो एक समय बाद इंसान का रूप ले लेता है। इसमें विजय को सफलता भी मिलती है, लेकिन उसी दौरान विजय के दोस्त उस नाग पर गोली चला देता है, जिससे उस नाग की मौत हो जाती है। उसी दौरान नागिन रीना रॉय विजय के साथ साथ उन सभी लोगों की तस्वीरें अपनी आंखों में समा लेती है जो उस वक्त वहां मौजूद थे, और बाद में वही नागिन बारी बारी से सभी को मारकर अपने नाग के मौत का बदला लेती है। इस फिल्म को दर्शकों ने काफी पसंद किया था और आलोचकों ने भी इस फिल्म की काफी तारीफ की थी।